आज इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने वाले जो डॉक्टर महबूब मखदूमी है वो हमारे साथ है और हम जानेंगे कि यूनिफॉर कश्मीर जो इनिशिएटिव लिया गया है तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और ये प्रोजेक्ट जो है किस हवाले से कश्मीर में बनाया जा रहा है। मखदूमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें टाइम देने के लिए। यूनिफॉर कश्मीर जो है काफ़ी बार चर्चे में रहा है, कई सारे लोग जो है इस बारे में बात करते आए हैं, तो आप हमें ये बता दीजिए कि यूनिफॉर कश्मीर जो इनिशिएटिव आपने लिया है, एक प्रोजेक्ट जो है यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का है, तो क्या ज़रूरत आपने समझी कि कश्मीर में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी है तो आपने यूनिवर्सिटी ही बनाने का जो प्लान क्यों किया? देखिए, पहली बात यह है कि यहाँ पे सबसे कम यूनिवर्सिटीज़ है, कई सारी मुझे लगता है 5-6 है, वो सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट कोई नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ जाती है और वो अपना डायनेमिज्म उसमें लाती है, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट की तरह वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो जाती है, वो एक बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मिक्स होगा गवर्नमेंट में जो पॉजिटिविटी है नॉट प्रॉफिट होने की और प्राइवेट में जो डायनेमिज्म है, वर्क कल्चर अच्छा है, उसको मिक्स करते हुए इस नवीयत की जो यूनिवर्सिटी है यहाँ पे नहीं है। और जो दूसरी चीज़ जो दूसरी मोटिवेशन हमें लग रही है कि जो इस वक्त की जो पढ़ाई है इट्स बीन आउटडेटेड, दिस इज़ माय पर्सनल फीलिंग, दिस इज़ माय मोटिवेशन टू कम अप विद दिस यूनिवर्सिटी। नहीं तो यूनिवर्सिटी तो बहुत सारे लोग बना सकते हैं, यहाँ के जो मतलब इकोनॉमिकली वेल ऑफ क्लास है वो बना सकती है, गवर्नमेंट बना सकती है, खुद उनको तो पैसे ढूंढने भी नहीं है, बना सकते हैं। लेकिन जो इसके पीछे एक एजुकेशनल फिलॉसफी है वो डिफरेंट है, वो है कि वी आर ब्रेसिंग अप फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, जो कि एजुकेशन की लैंडस्केप बिल्कुल चेंज कर रही है और कर चुकी है। जो चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं उसके लिए जॉब्स नहीं है, जिन चीज़ों के लिए जॉब है उसके लिए हमारे बच्चे तैयार नहीं हैं।